अमेठी की जनता गांधी परिवार को विकास से ज्यादा भावनात्मक मुद्दों पर चुनती आई है। संसाधन के नाम पर जो नहीं मिल रहा होता उसको ये कह देते हैं कांग्रेस वाले कि भैया ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। विकास के नाम पे अमेठी को हमेशा ठगा गया है। यहाँ केवल काम बात की राजनीति, विकास की राजनीति। राहुल जी एक काबिल सांसद है, पूरे इंटरनेशनल लीडर हैं। राहुल गांधी के नाम के पीछे से गांधी हटा दे, राहुल गांधी यहाँ एक वोट नहीं पाएंगे। राहुल जी युवा लीडर हैं, लेकिन राहुल जी ने एक कमी की है, युवाओं के लिए अपना विजन नहीं पेश किया उन्होंने। इस बार राहुल जी का मार्जिन निश्चित है कम होगा। मार्जिन भी अगर कम होता है तो माना जाएगा हार हो गई है। नमस्कार, ओपन माइक में आपका स्वागत है। हम इस समय अमेठी लोकसभा क्षेत्र में हैं, जहां पर पहली बार 1977 के बाद गांधी परिवार को चुनौती मिल रही है। यहां पर राहुल गांधी के खिलाफ खड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से कुमार विश्वास, भाजपा से स्मृति ईरानी और बसपा से धर्मेंद्र सिंह। हम पूछने जा रहे हैं इस अमेठी चौपाल में, क्या इस चुनाव में गांधी फैमिली की जो अपील है क्या ये कम होती जा रही है, क्या गांधी फैमिली का ब्रांड वैल्यू इस चुनाव में थोड़ा सा घट रहा है, क्या ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, यहाँ पर लगातार गांधी परिवार जीतते आए हैं 1977 से, फिर भी हमें देखने को मिलता है, और मैं अभी सफर करके आ रही हूँ, कि सड़कें टूटी हुई हैं, पानी ढंग का मिल नहीं रहा है, इतनी वीआईपी कंस्टिट्यूएंसी की इतनी दुर्दशा क्यों? इसमें ऐसा है, जो अनलोडिंग ट्रकें चल रही हैं, सड़कें इसी वजह से टूट रही हैं, ओवरलोडिंग की वजह से टूट रही हैं। इसमें राहुल जी का और कांग्रेस पार्टी का कोई दोष नहीं है। यहाँ पर हर पानी की सुविधा जगह जगह गाँव में और बाजारों में है, और यहाँ बात रही टक्कर की, यहाँ पर कोई टक्कर नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट स्मृति ईरानी जी हैं, वो स्वयं कह रही हैं कि मैं ऐसी महान शख्सियत के सामने चुनाव लड़ रही हूँ, मुझे स्वयं गर्व महसूस हो रहा है। आप हंस रहे हैं, आप इससे सहमत बिल्कुल नहीं है? आप नहीं, बिल्कुल बिल्कुल 100% सहमत है। ईरानी जी की यहाँ जमानत जब्त हो जाएगी? नहीं, जमानत तो जब्त नहीं होगी, लेकिन इस बार राहुल जी का मार्जिन निश्चित है कम होगा। अभी तक अगर आज चुनाव हो जाए तो हमें जो लगता है कि 1 लाख का मार्जिन रहेगा, मार्जिन भी अगर कम होता है तो माना जाएगा कि हार हो गई है। कि इतना बड़ा नेता, इतनी वीआईपी कंस्टिट्यूएंसी, इतना बड़ा नेता, ये डकैत लोग हैं जो कमीशन की बातें करते हैं। कुछ भी नहीं, यहाँ पानी मिल रहा है, यहाँ संसाधन के नाम पर चलिया, यहाँ नहर देखिए आप, बोले दीजिए। हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, मान लीजिए सब कुछ मिल रहा है, तो जो नहीं मिल रहा होता उसको ये कह देते हैं कांग्रेस वाले कि भैया ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे आप सड़क का मुद्दा उठाएंगे ये कहेंगे स्टेट गवर्नमेंट का मामला है, जैसे आप कहेंगे नहरों में पानी नहीं है कहें हमारा मामला नहीं है। एक मिनट भैया, हाँ, और जो भी आप उठाए, एक मिनट यार, आप इसका जवाब दीजिए कि इतना बड़ा नेता, इतनी वीआईपी कंस्टिट्यूएंसी, और यहाँ सड़कें की ओवरलोडिंग, सबसे बड़ी जो है ओवरलोडिंग की वजह से सड़कें टूटी हुई हैं। यहाँ राज्य सरकार पैसा लेके वाहनों को वो दे कमीशन दे दीजिए, ऊपर ओवरलोड लाद के लाओ। ओवरलोड की वजह से जो सड़कें 40 टन की बनी हुई हैं, उस पर 60 टन का लोड जब जाता है तो सड़कें टूटती हैं, उसमें राहुल जी का कोई दोष नहीं है। तो आप समझते हैं कि केंद्र, प्रदेश सरकार सहयोग नहीं कर रही है? बिल्कुल, प्रदेश सरकार सहयोग नहीं कर रही है, पर यहाँ पर सरकार, आप गजब की बात कर रहे हैं, ये बिना मुलायम सिंह के सहयोग के ना वहाँ चल रही है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, कहा जाता है कि राहुल गांधी तो यहाँ आते ही नहीं है, आते हैं पिकनिक करने के लिए, आते हैं लोगों से मिलते नहीं है, आते हैं राहुल जी, बिल्कुल 100% सही बात, आते नहीं है, वो सरकारी विजिट है, जैसे वो आते हैं तो सरकारी विजिट होती है, जैसे वो क्षेत्र में आते हैं तो उसका पूरा बायोडाटा जो है सरकार की तरफ रहता है। आप जो है मुख्यालय चले जाइए, आपको पता लग जाएगा राहुल जी महीने में कितनी बार आते हैं। ये तो कहीं कहने वाली बात नहीं है, गलत है, ये आते हैं। देखिए एक मिनट, ये बीबीआईपी का, एक मिनट, ये बीबीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो नेशनल फिगर हैं, वो इंटरनेशनल फिगर राहुल जी हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ की है कि राहुल जी
कांग्रेस पार्टी में अकेले कार्यकर्ता है, बाकी यहाँ के सारे कांग्रेस के लोग नेता हैं, इसलिए नेतागिरी में क्षेत्र जो है खत्म हो गया है। पर क्या आप समझते हैं कि राहुल गांधी को यहाँ रहना चाहिए, जैसे कुमार विश्वास जी आम आदमी पार्टी से? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी यहाँ रह नहीं सकते हैं और राहुल गांधी को नहीं रहना चाहिए। राहुल गांधी रहे न रहे ये उनका निर्णय है, वो रह के यहाँ क्या करेंगे, किसी खेती करा देंगे? इतने दिन से 20-50 साल से, नहीं नहीं 50 साल से कांग्रेस यहाँ को लीड कर रही है, यहाँ की जनता दे रही है, यहाँ की जनता का स्वाभिमान मरता जा रहा है। कितनी बार आप जीतोगे, क्या क्या कह के जीतोगे? मैडम सबसे बड़ी बात यहाँ पे दिक्कत जो है कि अमेठी की जनता को समझने के लिए चंडीगढ़ और लुधियाना और भोपाल के आदमी को भेजा जाता है, यहाँ के आदमी की नब्ज वो क्या समझ पाएगा? मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कुमार विश्वास यहाँ से लड़ रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, पर जैसे आपने सुना कि राहुल गांधी तो जीतेंगे ही, तो क्या कुमार विश्वास की ये लड़ाई एक नौटंकी है? नहीं, कुमार विश्वास की लड़ाई सही है। 10 साल तो भाई साहब को देखा, बीजेपी वालों को, यहाँ की जनता ने 10 वर्ष ये 5-5 वर्ष सांसद यहाँ के रह चुके हैं, और 55 साल से कांग्रेस को देखा। माननीय राहुल गांधी जी 10 साल से यहाँ पर ये कह करके लड़ते थे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन यहाँ की जनता को धोखा दिया गया, प्रधानमंत्री वो न बन करके मनमोहन जी को बनाया जाता है। सुनिए सुनिए सर, दिल्ली की जनता को उन्होंने धोखा दिया। अच्छा एक बात बताइए कि अगर राहुल गांधी, एक सेकंड, अगर राहुल गांधी ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं, ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या अमेठी की जो जनता है, क्या उनको राहुल गांधी को ऐसी अंधभक्ति में वोट दे देना चाहिए? क्या राहुल गांधी को भी थोड़ा सा झटका लगना चाहिए कि अगर ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं तो शायद एक बार उन्हें हारना भी चाहिए यहाँ से? नहीं नहीं, राहुल गांधी काम नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये तो जनता तय करेगी। तो अगर उन्होंने काम कम किया है तो वोट कम मिलेगा, काम ज्यादा किया है तो वोट ज्यादा मिलेगा, ये तो वोट के दिन पता चलेगा। लेकिन ये निश्चित तौर पर सही है कि यहाँ पर अमेठी की जनता गांधी परिवार को विकास से ज्यादा भावनात्मक मुद्दों पर चुनती आई है, और इस बार भी वही भावनात्मक मुद्दे विकास के आगे प्रभावी। क्या ये सही है? क्योंकि ये तो राजतंत्र नहीं है ना, ये तो लोकतंत्र है। तो क्या अमेठी की जो जनता है इनको राजा महाराजा की तौर पर राहुल गांधी को वोट देना चाहिए? लोकतंत्र में ये कहाँ तक सही है कि एक परिवार को पारिवारिक संबंध के कारण वोट मिलते रहे? नहीं, निश्चित तौर पर पारिवारिक संबंध के कारण वोट मिलते रहे हैं। वो 1977 से लेकर के और आज तक गांधी नेहरू परिवार ने अमेठी में जो रिश्ता कायम किया है उसके आधार पर उनको वोट मिल रहे हैं। बाकी लोग यहाँ आए, चुनाव लड़के चले गए, शरद यादव यहाँ चुनाव लड़के चले गए, भीम सिंह यहाँ चुनाव लड़के चले गए, मेनका गांधी यहाँ चुनाव लड़के चली गई, राजमोहन गांधी यहाँ चुनाव लड़के चले गए, काफी राम ने यहाँ से चुनाव लड़के चले गए, जो यहाँ चुनाव लड़ा लौट करके नहीं आया। इसका भी मूल्यांकन अमेठी की जनता निश्चित तौर पर करती है। पर क्या आप नहीं समझते कि ये पारिवारिक रिश्ता लोकतंत्र के लिए ठीक है? नहीं, कतई नहीं ठीक है। यहाँ विकास होना चाहिए, विकास के नाम पे अमेठी को हमेशा ठगा गया है। बड़े परिवार का नेता बड़े घर में पैदा होने वाला नहीं हो सकता, उसके लिए बड़ा काम करना पड़ता है, और बड़ा काम करने में राहुल गांधी बिल्कुल फेल हो रहे हैं, और यहाँ की जनता इस बार राहुल गांधी को दिखाएगी। राहुल गांधी यहाँ से चुनाव हारेंगे। राहुल गांधी के नाम के पीछे से गांधी हटा दे, राहुल गांधी यहाँ एक वोट नहीं पाएंगे, जितने केवल पारिवारिक एक काम है क्या, केवल भ्रष्टाचार के नाम पे ठगते रहे लोगों को। यहाँ पे एक हॉस्पिटल नहीं है, राहुल गांधी ने क्या किया, संजय गांधी हॉस्पिटल, एक डॉक्टर नहीं है, पेशेंट को जाना पड़ता है लखनऊ, और पेशेंट रास्ते में दम तोड़ देता है क्योंकि सड़कें खराब हैं यहाँ से लखनऊ तक। ये दूरदर्शन, एक सेकंड, आप बोलिए, आप युवा हैं, आप युवा, क्या आप राहुल गांधी को युवा नेता मानते हैं? जी राहुल जी युवा लीडर है निश्चित रूप से, देश को आशाएं भी हैं युवा नेता के रूप में, लेकिन राहुल जी ने एक कमी की है, युवाओं के लिए अपना विजन नहीं पेश किया उन्होंने। अगर वो यूथ के लीडर हैं तो उनको देश के सामने युवाओं के लिए एक मॉडल रखना चाहिए था कि क्या हम युवाओं के लिए करने जा रहे हैं, अमेठी हो चाहे पूरा हिंदुस्तान हो। राहुल जी रोजगार की बात करते हैं, ऐसी चीजें प्रोड्यूस करनी चाहिए कि जिससे अमेठी के युवा भी रोजगार पा सकें। यहाँ FDDI है निश्चित रूप से, SSSI है, बड़े बड़े शैक्षिक संस्थान है, लेकिन उनमें अमेठी के युवाओं के पढ़ने वाली संख्या न्यूनतम है। बुनियादी ढांचा बहुत ही कमजोर है, अमेठी के बच्चे उस लायक ही नहीं है कि SSSI और FDDI में पढ़ सकें। क्या बताइए, आप बताइए कि ये क्यों ये दुर्दशा है अमेठी में कि यहाँ पर ढंग का स्कूल नहीं है, ढंग का हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पर सड़कें टूटी हैं, और इतना बड़ा नेता, देश का इतना बड़ा नेता यहाँ से सांसद बन के जाता है, क्यों ऐसी दुर्दशा है अमेठी में, बताइए। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ जब गांधी परिवार आया तो
तो आज जो यहाँ सड़की देख रहे हैं, सड़क जो सिंगल सड़कें आज डबल सड़कें सारी हैं, जब गांधी परिवार यहाँ प्रवेश किया, कदम रखा, तब अमेठी एक ऊसर था जिसको बंजर भूमि कहते थे लोग। आज इस ऊसर में जो कंकरीण और खुश्की रहता थी, आज गांधी परिवार की ही देन है कि जो हमारे यहाँ अमेठी में कहीं भी जाइए, बड़ी बड़ी सड़कें, डबल सड़कें और सड़कें टूटने जो बनी हुई है, सड़कें जैसे ये बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। मैडम यहाँ सांसद हैं राहुल गांधी, हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता है, वो हारे की जीते तो मतदाता बताए, लेकिन उनकी जो जिम्मेदारी है उसका कतई वो निर्वहन नहीं कर पाए। एक मिनट मेरी बात आ जाने दीजिए, आप देखिए यहाँ जिले का हेडक्वार्टर है, पांच वर्षों से वो जिला बना हुआ है, यहाँ गरीब रथ ट्रेन है, अर्चना ट्रेन है, कई ट्रेनों का स्थापित नहीं हो पाया, वो सांसद की चिट्ठी पे हो जाता, आज तक उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जनता की बड़ी उपेक्षा उन्होंने करी है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, उनकी जमानत जब्त होगी, जमानत जब्त होगी। सुनिए, जो भी रिश्ता है, यहाँ राजीव गांधी जी ने बहुत काम किया था, उन्होंने परिवार बनाया था, परिवार से रिश्ता जोड़ा है, यहाँ के वोटर अगर राहुल गांधी को वोट दे रहे हैं तो राजीव जी को श्रद्धांजलि देते हैं कि उनके बेटे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि राहुल गांधी जिस तरह से अपने विदेशी जो मंत्री आए थे डेविड मिलिबैंड, उनको लेकर के एक गरीब घर गए और वहां रात बिताई, क्या ये अच्छा है? क्योंकि एक नेता को तो गरीबी को दूर करनी चाहिए, गरीबी का शो तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई विदेशी मंत्री को ला करके दिखा रहे हैं कि देखो हमारे पास कितनी गरीबी है। क्या आपको ये अच्छा लगा कि विदेशी मंत्री को ला करके उन्होंने गरीब घर का प्रदर्शन किया एक तरह से? मैं आपसे बताऊं, अभी पिछले वर्षों में अमेरिका के राष्ट्रपति जी आए थे और मनरेगा देखने गए थे गांव में, क्या वो गरीबी दिखाने ले गई थी क्या भारत की सरकार? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मनरेगा एक ऐसी स्कीम है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने मैनिफेस्टो में रखा है और उसने ये कहा है कि मैं मनरेगा को कृषि से जोड़ूंगा, ठीक। इट मीन्स कि मनरेगा एक अच्छी पॉलिसी है जिसको कांग्रेस ने बनाई और ये 10 साल से पॉलिसी चल रही है। उसी पॉलिसी को दिखाने के लिए ओबामा साहब आए और वो राजस्थान में गए, ये तो इतना तो आपको पता होगा, तो क्या वो भारत सरकार वहाँ गरीबी दिखाने लगी थी? नहीं, दलित बिरादरी का क्या इन्होंने पूरे देश में प्रदर्शन किया? आते थे खाना, पैक होके खाना आता था, क्या बेकार किया भाई यहाँ पे? मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अच्छा आप जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको कैसा लगा जब राहुल गांधी, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी यहाँ पिकनिक करने के लिए आते हैं, टूर करने के लिए आते हैं, यहाँ लोगों से मिलते नहीं है, इंटरेक्शन नहीं होता है, मुलाकात नहीं होती है, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी यहाँ टूरिस्ट बन के आते हैं? राहुल गांधी बिल्कुल यहाँ पिकनिक करने आते हैं, टूरिस्ट बन के आते हैं, केवल अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। जिस गरीब महिला के घर गए उसके लिए राहुल गांधी ने क्या किया? गरीबों के लिए क्या किया राहुल गांधी ने? एक तरफ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ टूरिस्ट बन के आते हैं, एक तरफ ये लोग कह रहे हैं कि ये भावनाओं से जुड़े हैं, अमेठी की जो भावनाएं हैं इनसे गांधी परिवार जुड़ा हुआ है, तो आप क्या मानते हैं? क्या आप मानते हैं कि राहुल गांधी वाकई यहाँ टूरिस्ट की तरह आता है? क्या आप मानते हैं क्या भावनाएं यहाँ बहुत गहरी है? नहीं देखिए, ये अमेठी कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, और अगर कोई भी सांसद, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का होगा, चाहे कांग्रेस का होगा, चाहे बसपा का होगा, चाहे सपा का होगा, अगर वो अपने क्षेत्र में जाता है तो काम हो सकता है कम कर रहा हो या काम ना कर रहा हो, लेकिन वो टूरिस्ट की हैसियत से किसी क्षेत्र में नहीं जाता, वो जाता है, उसके अपने काम करने का तरीका होता है। हो सकता है राहुल गांधी के काम करने का तरीका अमेठी की जनता को ना पसंद हो, लेकिन वो इस क्षेत्र में जब आते हैं तो अमेठी के सांसद की हैसियत से आते हैं, और अमेठी के सांसद की हैसियत से जो वो करना चाहते हैं वो करेंगे। एक बार आते हैं, पांच साल में, वो जब चुनाव आता है तभी वो आते हैं। कुमार विश्वास जी यहाँ पर आए हैं, रह रहे हैं, उन्होंने घर लिया है, क्या राहुल गांधी को ऐसा भी नहीं करना चाहिए था? हमने सुनने को मिला कि एक हफ्ते पहले वो बैंक अकाउंट खुलवाने जा रहे थे और बैंक अकाउंट डीएम ने
डीएम ने नहीं बन पाया, तो क्या जिस तरह से कुमार विश्वास जी यहाँ पर रह रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं, क्या राहुल गांधी को भी यहाँ रहना चाहिए? मैडम आते हैं महीने में दो दो बार तीन तीन बार आते हैं, पब्लिक के भी जो अभी आपने बात किया कि दलित यहाँ रुके उसका मखौल वो नहीं, उसके दुख दर्द को अंदर से देखने गए कैसे रहते हैं पूरा देश। जिस दलित महिला के यहाँ ये खाना खाए राहुल जी, जिसके यहाँ थे उसकी छत मकान की छत नहीं बनवा पाई है। सुनिए जो कह रहे हैं कि दलित के यहाँ जाते हैं, यहाँ जो अन्य पार्टियां हैं, जो श्री मायावती जी कह रहे हैं कि मैं बहुत हमदर्द हैं, वो किसी से नमस्कार नहीं करती थी, लेकिन कि राहुल जी जो हैं वो दलित के यहाँ गए उससे नमस्कार नहीं, उनके यहाँ जाकर के आप समझते हैं कि राहुल गांधी दलित के हमदर्द हैं जी, और क्या सारे लोगों के दलितों नहीं सारे वर्ग के। इस चुनाव में कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को गोधरा कांड के लिए माफी मांगनी चाहिए, क्या आप समझते हैं कि राहुल गांधी को भी 84 के जो सिख विरोधी दंगे हुए थे उसके लिए भी माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, और नरेंद्र मोदी किस बात की माफी मांगे जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने और SIT ने क्लीन चिट दी है। अगर मनमोहन सिंह ने माफी मांगी है, अगर सोनिया गांधी जी ने भी अपना व्यथा के बारे में बातचीत की है सिख विरोधी दंगे के बारे में, तो राहुल गांधी क्यों नहीं माफी मांगेंगे? सब राहुल जी जो है उस बात को समझते भी नहीं थे जब एक दंगा हुआ था, ना कांग्रेस वालों ने कराया, ना सोनिया जी ने करवाया, ना मनमोहन सिंह ने करवाया, ना कोई भी आ सकता है। आप विपक्ष जो है आरोप लगाता है, विपक्ष आरोप लगाता है, लेकिन जब तक अदालत नहीं सिद्ध करती है कि ये आरोपी है, विपक्ष का आरोप लगाता है, लेकिन अदालत जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जब आरोप लगाए तो वो दो माना जाएगा। नूरे हक सम्मा इलाही, को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है। तो चर्चा हो रही है, एक सेकंड, चर्चा हम आपको हमें ठीक है, हम आप अपनी बात, चर्चा हो रही है कि कहां तक लगातार अमेठी के जो वासी हैं ये लगातार गांधी परिवार को वोट हर बार दे रहे हैं, पर अगर गांधी परिवार के सदस्य अच्छा काम नहीं किया, ज्यादा काम नहीं किया, तो क्या उनको भी झटका नहीं लगना चाहिए? एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, जो आपने कई बार प्रेस किया कि परिवार बात की बात, यहाँ केवल काम बात की राजनीति है, विकास की राजनीति है। राहुल गांधी या सोनिया गांधी को जो वोटिंग होती है, यहाँ लोग सांसद का चुनाव करते हैं और उनके विकास के नाम पर चुनाव करते हैं। राहुल जी एक काबिल सांसद हैं, पूरे इंटरनेशनल लीडर हैं, गांधी बात के नाम पर एक चीज उठाया, रोड की बात आपने कहा, मैं बता दूं कि 4 नेशनल हाईवे से अमेठी संसदीय क्षेत्र जुड़ रहा है, ये या तो इन लोगों को जानकारी नहीं है या ये लोग कहना नहीं चाहते। राहुल गांधी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्यों बनाया अगर परिवारवाद नहीं, तो किसी और को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्यों नहीं बनाया? किसी और को क्यों नहीं बनाया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष? राहुल गांधी को क्यों टारगेट करें प्रधानमंत्री के लिए? पर इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि यहाँ पर तो हमारी राजनीति में तो हर पार्टी वंशवाद करती है, तो सिर्फ राहुल गांधी को दोष क्यों दे? मैंने कहीं भी वंशवाद की बात नहीं की, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हमारे अमेठी की जनता सिर्फ राहुल गांधी जी से ये सिर्फ सवाल चाहती है कि हम किस मुद्दों पे आपको वोट दें। आपने हमें ना 24 घंटे बिजली मुहैया कराई है, ना आपने रोजगार मुहैया कराया, ना आपने पीने के पानी की सुनिश्चित व्यवस्था की है, ना आपने सिंचाई के लिए व्यवस्था की है, किसानों को दर दर ठोकर खानी पड़ती है। राहुल गांधी ने वंशवाद की जो बात हम करते हैं कि राहुल गांधी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने वंशवाद के तौर पर, तो वंशवाद तो हर पार्टी करती है। हर पार्टी में नहीं मैडम, खाली कांग्रेस में वंशवाद है। कैसे कह सकते हैं? राजद में है, अकाली में है, राजनाथ यशवंत सिन्हा का बेटा, यशवंत सिन्हा का बेटा उतर आया है। यशवंत सिन्हा का बेटा अपनी काबिलियत से है, गांधी परिवार गांधी के नाम से नहीं है, यशवंत सांसद नहीं राहुल से विधायक हुआ है, और ये खाली गांधी परिवार के सिंबल से राज क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब राहुल जी, राहुल गांधी कांग्रेस वालों से पूछिए कि अभी कई 100 साल यहाँ अमेठी गुलाम रखेंगे, क्योंकि जब जमीन लिखी जाती है आपने देखा होगा उसमें लिखते हैं पुस्त दर पुस्त मौज करें, तो इसको अमेठी को बैनामा लिखा लिया उन्होंने पुस्त दर पुस्त मौज। तो यही खत्म होता है हमारा अमेठी चौपाल। यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेठी को गांधी फैमिली के गुलाम बनकर नहीं रहना है, हमें और नेता चाहिए,
और लोग कह रहे हैं कि अमेठी में एक भावना है गांधी फैमिली के प्रति और एक पारिवारिक रिश्ता है गांधी परिवार के साथ। ये बात तो निश्चित है कि इस बार राहुल गांधी को चुनौती मिल रही है और इस बार एक राजनीतिक जगह बनी है विपक्ष के लिए अमेठी में। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये था हमारा अमेठी ओपन माइक।